नए संवत्सर की शुरुआत शनिवार से हो गई है। विक्रम संवत कैलेंडर का ये 2079वां वर्ष होगा। इस संवत की शुरुआत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने की थी। यूं तो दुनिया में कहें तो कई तरह के कैलेंडर की मान्यता है, पर सनातन धर्म में विक्रम संवत का खासा महत्व है। ऐसा नहीं है कि संवत कोई भी राजा घोषित कर सकता है, इसके लिए नियमों का पालन करना होता है। इसमें खास है कि उनके राज्य में जनता पर कर्ज न हो, राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो, शासन वैभवशाली हो, यानी ऐसा राजा हो जो जनता का कर्ज उतार पाए। विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन को ही विश्व में प्राचीन काल गणना का केंद्र माना गया है। विक्रम शोध संस्थान उज्जैन के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीराम तिवारी ने बताया कि राजा विक्रमादित्य के नाम पर बना विक्रम संवत ईस्वी से 57 वर्ष आगे है, यानी जब ईस्वी सहित अन्य कालगणना नहीं थी उससे पहले विक्रम संवत प्रचलित था। ज्योतिष के अनुसार नव संवत जिस दिन आरंभ होता है उस दिन के वार के अनुसार ही राजा का निर्धारण होता है। इस वर्ष विक्रम संवत में शनि राजा और गुरु मंत्री होंगे। नए वर्ष से प्रकृति में परिवर्तन होता है और पर्व त्यौहार शुरू हो जाते हैं। पंचांगकर्ता और ज्योतिष पंडित आनंद शंकर व्यास बताते हैं कि चैत्र शुक्ल का दिन सृष्टि के आरंभ और विक्रम संवत शुरू होने का दिन है। विक्रम संवत में महीने का निर्धारण सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर होता है। नव संवत्सर 2079 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ।